आज हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान का जो है सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन है और ये सेट नंबर सी का जो है आंसर की देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में। कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? तो ये भागलपुर जिला में स्थित है। इसे कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। कृष्णराज सागर बांध ये कृष्णा नदी पे है। भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? तो ये केंद्र से उत्पन्न होती है। भूकंप निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन सा है? तो ये सिस्मोग्राफ द्वारा मापते हैं। कृषि सुखाड़ होता है, जल के अभाव के कारण होता है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? तो भूपटलीय दरार के क्षेत्र अधिक प्रभावी होते हैं। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष जो थे, ये नहीं है क्वेश्चन। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? तो 1948 में हुई। 1929 के आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पे पड़ा? तो ये अमेरिका पे पड़ा। युद्धोत्तर पूर्ण निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन किया गया? तो इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसे शॉर्ट में IMF कहते हैं। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो इसका जो मुद्रा है वो यूरो है। न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो ये किया था एनी बेसेंट ने की थी। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनमें से लगभग कोई नहीं था। सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो ये सिकंदर जो था रोम का निवासी था। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो ये समाजवादी पार्टी नहीं है। आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो ये भारत में है। निम्न में से किसने कहा, धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है? ये महात्मा गांधी ने कहा था। ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ? तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ। साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव है? तो ये बहुजन समाज पार्टी का है। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ये स्थानीय स्वशासन से, अर्थात ये पंचायत की इसमें चर्चा है, सी हो जाएगा। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? तो 1958 में की गई। निम्न में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए? तो ये चालू खाता आ जाएगा। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो ये आंध्र प्रदेश में हुई थी। औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, तो ये जो है ISI मार्क के द्वारा सुनिश्चित करते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 सितंबर को मनाया जाता है। निर्यात संवर्धन EPJ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में जो है दोनों बेरोजगारी पाई जाती है, छिपी बेरोजगारी भी और मौसमी बेरोजगारी भी, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की, यानी नोट कब बंद किया था? तो ये किया था 8 नवंबर 2016। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो RBI करेगा। कृषि आयोग कमेटी के सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की, तो ब्रुंसलैंड आयोग ने किया था। निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर को कहते हैं। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? तो सितंबर 1987 को लागू हुई। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो ये डिब्रू सैखोवा है। क्यूनाइल का उपयोग होता है? तो ये मलेरिया की दवा में होता है, यानी कुनेन से ही। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण है? तो ये 18 हैं। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? तो शिव समुद्रम में की गई। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। चौरा चौरी हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया? तो ये असहयोग आंदोलन को कर दिया गया था। लाल कुर्ती का संगठन संबंध जो है मेजनी से है। लखनऊ समझौता किस वर्ष? तो 1916 में हुआ था। इंडियन स्टेटरी कमीशन जॉन साइमन के समय आया था, जिसे साइमन कमीशन भी कहते हैं। स्वेज नहर को कब खोला गया? तो ये खोला गया था 1869 में खोला गया। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित हुई? तो मुंबई में हुई थी। निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो नोकिया जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला? तो औद्योगिक क्षेत्र को मिला। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र को देखा गया? तो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी? तो कैलोरी में जो है 24 कैलोरी है।
निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो ये जो सीमेंट है कृषि आधारित उद्योग नहीं है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नेहरू जी का पुस्तक है। निम्न में से किस विधि अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो ये मूल्य योग विधि में किया जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? तो ये 1975 में की गई। कैगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो ये राजस्थान में है। निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? तो लगभग सभी जो है रोपण फसल का उदाहरण है। निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? तो ये राजमा नहीं करती है। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो भारतीय खाद निगम बनाती है। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ है? तो ये बर्नरपुर में है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये सिकंदराबाद में है। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ती है? तो ये जोड़ती है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी 1789 में। मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो लाल सेना से है। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन भी छूट गया है। कोसूत का संबंध किस देश से है? तो ये हंगरी से है। रूस में प्रतिनिधित्व संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो 1905 में हुआ था। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्वयुद्ध से बाहर हो गया? तो ये वर्साय की संधि के द्वारा हो गया था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहते हैं? तो कार्ल मार्क्स को कहते हैं। निम्न में से क्या पोस्टडम, ये भी क्वेश्चन छूटा हुआ है। निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? ये भी क्वेश्चन छूटा हुआ है। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? तो ये महापौर होता है। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है, क्योंकि इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो है कानून बनाती है। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? तो 1998 में हुआ। नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो राजा ज्ञानेंद्र कर दिया था। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो ये जो है लोकतंत्र है। निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो एक दलीय प्रणाली जो है ये चाइना में है।